प्रधानमंत्री को खत लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। दरअसल बेटे को 1.5 साल से एप्लास्टिक एनीमिया नाम की बीमारी है और उसे जिंदा रहने के लिए बोन मेरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है और बिना ट्रांसप्लांट के जिंदा रहने के लिए पिता को हर महीने 2 बोतल खून बेटे के लिए इंतजाम करना पड़ता है। पिता की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है और इसलिए खेत तक बिक चुके हैं। पिता ने बेटे को बचाने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी मदद की गुहार लगाई। सीएम की ऑनलाइन सुनवाई में पिता की बात सुनी भी गई और 17 दिसंबर को जवाब भी मिला। आगरा प्रशासन ने उसके इलाज का एस्टीमेट भी शासन को भेज दिया है, लेकिन सपा में पार्टी की कलह के बीच एस्टीमेट किसी ने ध्यान इस पर नहीं दिया और इसलिए अब पिता अपने बेटे के लिए इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं।